काफी अच्छा कर रही है ना। अस्सलाम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है सबको? उम्मीद है खैरियत होगी। सर हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम बारिश में जा रहे हैं। हमारा कोई थोड़ा सा काम है गाँव में, वो भी शेयर कराऊंगी। और ये देखें, ये मौसम है पिंडी का मौसम है और बहुत अच्छा मौसम है। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल देखें। इतना सुहाना मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बस सिर्फ देखते जाओ इस मौसम में जो है ना, और अल्लाह की शान नज़र आती है। अल्लाह कभी गर्मी देता है, कभी एकदम से बारिश बरसाता है, कभी ठंड देता है, और फिर एकदम से सख्त गर्मी के बाद जब बारिश बरसती है तो ज़मीन अपनी सारी गर्मी बाहर निकालती है और भड़ास छोड़ती है और हबस हो जाती है, और घरों में बैठ के तो दम घुटता है। हम तो खैर किसी काम से जा रहे हैं, एक दुआ है उस उधर जा रहे हैं, लेकिन हम वैसे आउटिंग के लिए नहीं निकले, इसलिए कि हम लोगों को आउटिंग जो है ना पसंद ही नहीं। हमारी रूटीन में ये नहीं है कि बग़ैर किसी वजह के घर से बाहर निकलो। घर बैठ के बंदा अल्लाह का जिक्र कर लेते, अपने घरेलू मामला सुधारता है, बच्चों को मशवरे देते, ये काम ऐसा करो वैसा करो, माई समझाती है। और बेटियाँ ज़्यादातर माओं से सीखती हैं, और छोटी बच्चियाँ जिस तरह माँ को देखती है कि माँ इस तरह कर रही है, तो वो बच्चे भी उसी तरह पिक करके वो माँ बच्चों को बिगाड़ती भी है तो संवारती भी है। प्यारी वर्ष लग रहा है शाम का टाइम है, ये देखें माशाल्लाह। लिगनम टावर है, ये लिगनम टावर है, आगे पे गीगा माल आएगा। और इसके साथ ये दूसरा हिस्सा भी इसका नया बन रहा है, ये देखें ये अब नया इसका हिस्सा बन रहा है, इसको बड़ा कर रहे हैं, इसकी तोसी हो रही है। ये देखें इसी डिज़ाइन पे, ये देखें, या शायद कोई नया मॉल बन रहा है या उसके साथ का हिस्सा है। हाँ ये गीगा मॉल का ही है, बस पैसों की बात है और ज़ेन की बात है, शौक़ की बात है। अल्लाह नसीब करे जिसका भी है, और अल्लाह ताला हमारे पास जो भी है वो हमें नसीब करे। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो तूने नेमतें दी हैं वो हमसे छीन ना लेना, और ज़वाल पज़ीर ना होने देना, दुश्मनों को खुश ना होने देना हमारे हाल पे, हर हाल में हमारे हाल पे रहम फरमा देना, और हर चीज़ जो अता की है ना उस पर हमें इस्तेकामत भी दे और वो हमारा नसीब करे। 7-स्टार मॉल बन रहा है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा मॉल बनेगा इंशाल्लाह। प्यारे व्यूअर्स ये देखें, ये हम रवा से आगे आ गए, यहाँ बारिश कोई नहीं है, देखो रोड देखें कोई बारिश नहीं है, ना बारिश है, तो बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई यहाँ पे, या बाद में बारिश आएगी, जब हमारी उधर से बारिश ख़त्म होगी तो फिर इधर आएगी। यहाँ पे धूप निकली हुई थी, ये गुजर खान का इलाका है और यहाँ धूप निकली हुई है, पीछे बादल हैं, उसे आगे हमारी पिंडी में बारिश है। देखिए गन्ने का जूस हम ले रहे हैं, तो ये गन्ने का जूस तो बच्चा बना रहा है।
हमने इससे पहले बर्तन धुलवाए हैं, सही बर्तन धुलवाए हैं, हमने कहा सही साफ सुथरे गन्ने भी डालो। और ये पेड़ अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ कर रहा है। हमने इसे डिस्पोजिबल गिलास लिए। गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा होता है जिगर के लिए, बहुत बेहतरीन। ये अदरक भी डाल दे, पुदीना भी, साफ धुला हुआ पुदीना हो बच्चे। ये पुदीना भी धुला हुआ रखा है, किसी तरह उठा के रखा है, धुला हुआ नहीं लग रहा बच्चे, धो लो। देखो छान के डाल रहे डिस्पोजिबल बर्तनों में। किसी को पूछ लो ना, तुम रहने दो ये, शिम वो आंटी को दे दो, दस से